टाइट डीजी हैं। यादव साहब आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले धर्मेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगा, आप अपनी बात पूरी करिए सर। पुलिस की ताकत बढ़ने वाली है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ओपनिंग कॉमेंट आपका सर। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी वर्षों से मैं जब सेवा में आया था, जब से लेकर रिटायर होने तक यही सुनता आया था कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो रही है। ये काफ़ी समय पहले 1856 में बॉम्बे में लागू हो चुकी थी। इसके पहले ये कलकत्ता और चेन्नई में लागू हुई थी। इसके बाद से देश के सभी बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से इसकी मांग होती रही है, विशेषकर महानगरों में। जैसा कि क्राइम का पैटर्न बढ़ते जा रहा है, आरोपी अपराधी जो है वो काफ़ी आधुनिक हो गए हैं और पुलिस को बहुत से पावर्स की आवश्यकता होती है और उसको मजिस्ट्रेट की सहायता लेना पड़ती है। जब मजिस्ट्रेट के पावर्स पुलिस के पास होंगे तो बहुत सी कार्रवाई में, विशेषकर कानून व्यवस्था में और अपराधों के नियंत्रण में उस पर उसे काफ़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, एक बड़ी मदद तो मिलेगी ही और पुलिस की ताकत भी इससे बढ़ेगी। मैं लौटूंगा आपके पास, धर्मेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात कही है। यादव सर आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शहरों में बड़ी इमारतें बनना शुरू हो जाए, 4G के बाद 5G का ज़माना आना शुरू हो जाए, महानगर में एडवांस टेक्नोलॉजी आना ज़रूर हो जाए, तो पुलिस को भी तो अपने आप को अपडेट करना होगा। क्या ये ताकत पुलिस की जो बढ़ने वाली है दो शहरों में, ये और भी क्राइम के ग्राफ को रोकने में मददगार साबित होगी? कैसे देखते हैं सर आप इसे? पुलिस की ताकत नहीं बढ़ेगी बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है इससे। अच्छा। और कानून व्यवस्था में जो एक सहयोग मिलता था मजिस्ट्रेट का, उस नहीं मिलेगा, सीधे इनको कार्रवाई करने का हक होगा। लेकिन ये सिस्टम जो है बहुत ही मुफीद है, बहुत ही उपयुक्त है बड़े शहरों के लिए और बहुत दिन से आवश्यकता थी। 1856 में शुरू हुआ था पुलिस कमिश्नर सिस्टम, इसके बाद आज 75 से ज़्यादा महानगरों में भारत के ये सिस्टम लागू है। 1860 का पुलिस एक्ट है, उसके निर्माण में जिन कमीशन में जो मेंबर थे तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उन्होंने कहा कि हम बड़े नगरों में सोच भी नहीं सकते हैं कि बिना पुलिस कमिश्नर के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है। तो ये तो बहुत आवश्यक था, इसके लिए मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि जनता की आवश्यकता के लिए, समय की आवश्यकता तो बहुत दिन से थी, जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने ये सिस्टम लागू कर दिया। इस सिस्टम में एक भ्रम है कि पुलिस के पावर बढ़ जाएंगे। पुलिस के पावर बहुत हैं, अभी भी पुलिस के पावर कम नहीं है। बिल्कुल, दुनिया में शायद इतना पावरफुल पुलिस कानूनन कहीं नहीं है। इसमें एक सिस्टम बदल जाएगा, जैसे अपराध है तो एक आदमी अपराध का इंचार्ज होगा, DIG क्राइम, और पूरे शहर का क्राइम का इंचार्ज होगा तो थानेवार नहीं बल्कि शहरवार, पूरे शहर का क्राइम देखेगा। सर मैं लौटूंगा आपके पास। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं, हम जरा सुन लेते हैं, दर्शकों को भी बता देते हैं। पत्थरबाजों के खिलाफ हम लेके आ रहे हैं इस सत्र में, हमने क्रमोन्नति पुलिस को दी, हमने पदोन्नति दी, हमने, आपने देखा होगा कोरोना काल में हमारे जवान ने पुलिसिंग इतनी जबरदस्त की, सेना के सैनिक की तरह से की, उनको मेडल हमने, पुरस्कार हमने, अनुकंपा नियुक्तियां हमने मध्य प्रदेश में दी, और जो अपने आप में एक अनूठी थी हमने नवाचार किए। तो ये नवाचार के आगे चलकर ग्रामीण क्षेत्र, जैसे वैसे तो जहाँ भी कमिश्नर प्रणाली होती है तो शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है, नगर में देखा जाता है, तो इसका कुछ 2-3 महीने बाद कुछ अलग से इसके ऊपर कुछ देखने को मिलेगा और कितने अफसर यहाँ? जैसे परिणाम आते जाएंगे वैसे वैसे विचार आते जाएंगे, और जैसे जैसे विचार आएंगे वैसे वैसे सुधार आते जाएंगे। तो कहा जाए कि अपराधियों के लिए एक सीधा मैसेज है कि अब कहीं कोई पहले भी आप कहा प्रदेश में अपराधियों की तो वैसे ही खैर नहीं है, चले जाएं कहीं और तो ही अच्छा है। चलिए आशीष, आप देख रहे हैं दीपक, इस समय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जुड़े थे और वो कह रहे हैं कि पहले इसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद कहीं और कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा, लेकिन कहीं भी। चलिए मनोज जी हमारे साथ जुड़े, वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात कर रहे थे। यादव सर अपनी बात पूरी रखिए, नरोत्तम मिश्रा का वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपराधी बेहतर है कि बाहर चले जाएं, अपराधियों की तो इस राज्य में कोई जगह नहीं है। अपनी बात पूरी रखिए सर।
हाँ, ये सही कह रहे हैं। अपराध नियंत्रण में ये सिस्टम बहुत ही उपयुक्त है और अपराध का स्वरूप आज बदल गया है। देखिए, हम लोगों के बचपन में या आज से तक 40 साल 50 साल 60 साल पहले छोटी छोटी क्राइम, हाउस ब्रेकिंग होती थी और डकैती होती थी, लूट होती थी। आजकल तो जो फ्रॉड करने वाले हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, करोड़ों रुपया लोगों का लूटे जा रहे हैं और उनकी पकड़ के लिए हमारे पास साधन नहीं है, साधन नहीं है। हालांकि आज तफ्तीश करना पहले से बहुत आसान है क्योंकि साइंटिफिक मीन्स बहुत डेवलप हो गए हैं, साधन हो गए हैं। जो आदमी चोरी करता है उसके पास यदि फ़ोन है तो उसकी लोकेशन पता चल जाती है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आज तफ्तीश करना आसान हो गया है। लेकिन इस तरह की तफ्तीश के लिए हम एक्सपर्टाइज नहीं है, हमारी पुलिस तैयार नहीं है। हमारी अभी भी पुलिस वो ब्रिटिश काल की जो पुलिस थी उसी तरह की, उसकी ट्रेनिंग, उसी की सोच, सब कुछ चल रही है। तो बड़ा स्तुत्य है कि हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। महानगरों में एक्सपर्टाइज डेवलप हो गई है। बॉम्बे, कलकत्ता आदि का जो क्राइम ब्रांच है, बड़ा पावरफुल क्राइम ब्रांच है। दिल्ली में आप देखिए, कोई क्राइम होता है 24 घंटे में निकाल लेते हैं कि क्रिमिनल कौन है। ब्लाइंड मर्डर को, ब्लाइंड रेप को पकड़ लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके पास साधन है। ऐसे ही इन महानगरों में भी सरकार साधन उपलब्ध कराएगी, हमें आशा है। एक्सपर्ट टीमें हर ब्रांच में तैनात होगी और ये एक्सपर्ट टीमें एक ही काम करेंगी। क्राइम वाला केवल क्राइम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज होगा वो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, क्राइम से उसका कोई मतलब नहीं। ये डिवीजन ऑफ वर्क के कारण से इसमें बड़ी सुविधा होती है शासन करने में, पुलिसिंग करने में। इसलिए ये सिस्टम बड़ा उत्तम है, सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा किया। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं लौटूंगा आपके पास। सर धर्मेंद्र सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, मैं पढ़ रहा था मध्य प्रदेश में ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए 5 बार पहले भी पहल की गई थी। सबसे पहले 40 साल पहले 1981 की ये बात है जब कैबिनेट ने 5 लाख से अधिक आबादी वाले 4 शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में पढ़ रहा था, जहां पर प्रस्ताव तो ला दिया था लेकिन किन्हीं कारणों से ये क्रियान्वयन नहीं हो पाया। उसके बाद 1997 में, 2000 में, 2018 में, 2012 में, लेकिन आखिरकार 2021 में अब ये लागू हो चुका है। ताकत तो बढ़ेगी ही, लेकिन यादव सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारियों को आप कैसे देखते हैं? पुलिसिंग में जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, ताकत भी बढ़ेगी और पुलिस एडवांस भी होगी, और क्या फायदे आप देखते हैं इसके? जैसा कि सर ने बताया, जवाबदारी बढ़ेगी। अभी जब मजिस्ट्रेट के पावर्स पुलिस के पास होंगे तो उन परिस्थितियों में सामान्य जनता को कोई कष्ट ना हो और अपराधियों पे अच्छी तरह से नकेल कसी रहे, तभी ये प्रणाली सफल मानी जाएगी। अगर इसका जरा सा भी मिसयूज होता है या मजिस्ट्रेटी पावर्स का मिसयूज होता है तो पुलिस पे बदनामी भी होगी और सिस्टम भी बदनाम होगा। परंतु जहाँ तक बड़े नगरों का सवाल है, बड़े महानगरों में ये प्रणाली सफल रही है और मैं आशा करता हूँ कि इंदौर और भोपाल में भी ये सफल होगी और पूरी जवाबदारी से, जैसा कि मध्य प्रदेश पुलिस का नाम है, ये कार्य कर सकेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल सर मैं आपसे और समझना चाहूँगा, आप बतौर एक बड़े जिम्मेदार पद पर, डीआईजी पद पर रह चुके हैं, जब भी किसी शहर में कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, कोई घटना होती है, कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पर भी आते हैं। लोग बड़ा जल्दी से कह देते हैं कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्या कर रही थी, लेकिन ये जो आप सिस्टम प्रणाली, हम पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात कह रहे हैं, ताकत भी बढ़ेगी, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा एक जो पॉइंट होता है वो होता है किसी भी शहर का क्राइम ग्राफ कितना है, वहाँ पर क्राइम कैसा हो रहा है, पुलिस का खौफ कितना है, क्या अपराधी पुलिस से डर रहे हैं। इस क्राइम ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास तो करती है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्राइम ग्राफ में भी इससे कमी आएगी महानगरों में? बढ़ती हुई जनसंख्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जैसा कि आजकल साइंटिफिक साधन बहुत होने से अपराधी तो बहुत बढ़ गए हैं, निश्चित तौर से उनको नियंत्रण करने में इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली बॉम्बे में क्राइम कम हुए हैं, क्राइम जनसंख्या और समय के हिसाब से बढ़ते हैं, पर जैसा सर ने बताया था अभी कि अलग अलग सिस्टम काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि क्राइम ब्रांच महत्वपूर्ण केसेस को देखेंगे तो निश्चित तौर से जो गंभीर प्रकार के अपराध हैं या जो सेंसेशनल अपराध हैं, जो लॉ ऑर्डर बिगाड़ते हैं या कोई बड़े क्राइम है, वो तत्काल डिटेक्ट होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और
सिस्टम के संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो पूरा देखने के बाद ही पता लगेगा कि कितना उसमें क्या क्या पावर्स किस प्रकार से दिए गए हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, और ये एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्राइम ग्राफ में तो कम होगा ही, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पुलिस के ऊपर जो जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, पुलिस अब इन दो शहरों में कैसे एक्ट करती है। हम रुक करेंगे यादव साहब का। सर एक चीज़ ये भी देखने में आता है कि जो IS लॉबी होती है वो शुरू से कहीं ना कहीं कमिश्नर प्रणाली का विरोध करती आई है, कहीं ना कहीं उनके सुर विरोधी सुर रहे हैं, ये इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये IS IPS या सर्विस का मामला नहीं है, ये जनता की सुविधा का मामला है। जनता के लिए सबसे अच्छी प्रणाली कौन है, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, तो दुनिया के सभी महानगरों में कमिश्नर सिस्टम है, और केवल भारत के नहीं, अमेरिका में पुलिस कमिश्नर न्यूयॉर्क का कौन है सब लोग जानते हैं, लंदन में बहुत पहले लागू हो गया था। तो ये किसी सर्विस की बात नहीं है। कि एक क्वेश्चन उठाया जाता है जो बाहर से अक्सर उठता रहता है कि पुलिस निरंकुश हो जाएगी इतना पावर दोगे तो। पुलिस देखिए ये बहुत सही है कि जिसके हाथ में आप बंदूक दीजिए, पावर दीजिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन ये नियंत्रण शब्द जो है ये किसका नियंत्रण, चुने हुए प्रतिनिधियों का नियंत्रण, जनता का नियंत्रण, जुडिशियरी का नियंत्रण, समाचार पत्रों का नियंत्रण, आप मीडिया का नियंत्रण, कितने नियंत्रण है पुलिस के फंक्शन में आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा नियंत्रण तो जनता का है, यदि जनता संतुष्ट नहीं है तो आप जैसे सोने की पुलिस लाइए अब वो किसी काम की नहीं है। तो जनता का जो नियंत्रण है, जनता कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसा महसूस करती है पुलिस के बारे में, और जनता कैसे महसूस करती है, ये रिफ्लेक्ट होता है पॉलिटिकल लीडरशिप से। सब वोट के लिए सबको जाना है जनता के पास, और यदि जनता संतुष्ट नहीं है तो सिस्टम से संतुष्ट नहीं होगा पॉलिटिशियन। बिल्कुल ठीक कहा। सिविलियन कंट्रोल का मतलब आजकल जनता का कंट्रोल डेमोक्रेसी में है। जी बिल्कुल, और यही हमारे डेमोक्रेसी की खासियत रही है। यादव साहब, यादव सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान शामिल हो गए हैं, अरुण गुटरू साहब जो कि रिटायर्ड DGP हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका इस चर्चा में। अभी अभी नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए ये ऐलान कर दिया, एक हफ्ते के भीतर मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहरों में, इंदौर और भोपाल में, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। हम अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। यादव सर का कहना है कि जिम्मेदारी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, धर्मेंद्र चौधरी सर भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अरुण सर आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन जो मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं देखते हैं, IAS लॉबी जो होती है, जैसे किसी जिले का कलेक्टर है, कलेक्टर के पास पहले परमिशन लेना होती थी पुलिस को, अगर बल यानी कि लाठी चलाना है या कहीं पर क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं राइट्स तो आएंगे, लेकिन जो एक मिसकम्युनिकेशन होगा इसे कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए पहले तो मैं राज्य सरकार को बधाई दूंगा, एक पुलिस भूतपूर्व पुलिस अधिकारी के नाते भी और एक भोपाल के नागरिक के नाते भी, कि उन्होंने ये कार्य जो है घोषणा करी और इतनी जल्दी जो उसको है लागू कर दिया। ये एक बड़ी भारी बात, मैं ज़रा हट के बोल रहा हूँ, ये एक बड़ी भारी बात और इंडिकेट करता है कि अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होती है तो देखिए किस आसानी से और किस फुर्ती से काम होते हैं। जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि वो मिसकम्युनिकेशन या कोई ऐसी अड़चनें आएंगी, तो देखिए ये नेगेटिव एटीट्यूड मैं नहीं रखता जी। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो दूसरे शहरों में ट्राई किया गया है, हिंदुस्तान में भी ट्राई किया गया है और बाहर भी। इसके अंदर हम लोग पुलिस भी जिस तरह से पहले भी लॉ के प्रति अकाउंटेबल थी, उसी तरह से लॉ के प्रति अभी भी अकाउंटेबल रहेगी जी। ऐसा नहीं है कि वो जुडिशरी
को सारे अधिकार पुलिस को दे दिए गए हैं और जुडिशरी और दूसरी जो विंग्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उनको कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। और जैसा कि यादव साहब ने बताया, जनता भी है, जनता इस चीज़ को देखेगी। पर ये एक्सपेरिमेंट मैं सोचता हूँ कि सक्सेसफुल होगा, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे सबसे बड़ा लेसन जो मैं देखता हूँ एक नागरिक के तौर पे जी, कि सरकार की इच्छा शक्ति होती है, जब पॉलिटिकल विल जिसको हम कहते हैं, तो देखिए कितनी सरलता से और कितनी जल्दी कोई पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, लागू हो जाती है। बिल्कुल, एक चीज मैं सर ये भी समझना चाहूंगा, ठीक है आप इसे पॉजिटिव अप्रोच मानते हैं, 5 बार पहले भी प्रयास तो किए गए थे कि मध्य प्रदेश के इन शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से क्रियान्वयन हो नहीं पाया। 2021 में ये 2 शहरों में अभी प्रणाली लागू हो गई है, लेकिन एक आम आदमी के तरफ मैं जाऊं, एक आम आदमी किसी भी चीज के लिए थाने जाता है शिकायत करने या कोई फरियाद लेके, एक आम आदमी पहले पुलिस थाने जाता है, इस सिस्टम के सामने आने के बाद आम आदमी के अगर हम नजरिए से देखें, कॉमन मैन जो थाने पहुंचता है, क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए बदलाव आना चाहिए। अभी तक लोगों को शिकायत थी, और मैं सोचता हूं कि ये सही भी थी कि जब तक किसी का दबाव नहीं हो या कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो तो थानों के अंदर क्राइम रजिस्टर नहीं होता था। कुछ जजमेंट्स आए हैं जिसमें बड़े बड़े न्यायालयों के, कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं। पहले हमारे ज़माने में ये होता था कि नहीं, अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना आई है तो आपको रजिस्टर करना ही है, चाहे बाद में आप उसे खारिज कर दें। अब ये एक नई चीज़ हो गई है कि पहले आप इंक्वायरी कर सकते हैं और फिर अगर संज्ञेय अपराध बनता है। इस ये जो नई प्रथा चली है इसने थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, और इसका फ़ायदा मैं कहूँगा कि कुछ पुलिस अधिकारी उठा लेते हैं जी। पर अब जबकि नियंत्रण पुलिस का होगा, पुलिस पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ेगी, सुपरविजन उनको अच्छी तरह से करना होगा, जनता का फीडबैक लेना होगा, और टेक्नोलॉजी को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि कोई भी जनता का आदमी जो है अगर वो अपराध की रिपोर्ट करता है तो उससे जो है वो वहाँ से भगा नहीं दिया जाए, या मतलब रजिस्टर होना चाहिए जी। और इसके अंदर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत से तरीके हैं, उनको अगर अपनाया जाएगा, राज्य सरकार उसमें भी अगर पूरी मदद करेगी, तो मैं सोचता हूं कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। चलिए एक बड़ी भारी बात ये आई है कि कमांड एंड कंट्रोल जी जिम्मेदारी के साथ एक ही संस्था को है। चलिए मैं जितना समझ पा रहा हूँ, धर्मेंद्र चौधरी सर, आरएलएसटी यादव सर और अभी जो अरुण सर हमारे साथ जुड़े हैं, तीनों के कमेंट सुनकर मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच सरकार ने लिया है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। ताकत भी बढ़ेगी, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया करूँगा सर, धर्मेंद्र सर, यादव सर और